हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान विधि में कटहल की सब्ज़ी, जिससे फर्स्ट टाइम पे भी आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने कटहल को अच्छे से धो के छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसे एक से दो बार अच्छे से धो लिया है। और अब हम एक कुकर लेंगे, इसमें एक गिलास पानी डालेंगे और धुले हुए कटहल डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कुकर ठंडा हो गया है और अब हम इसका ढक्कन खोल लेंगे और अब हम कटहल को चेक कर लेंगे। इसके लिए हम एक स्पैचुला लेंगे और इस पे कटहल लेंगे और इसे हाथ से हम इस तरह से दबा के देखेंगे। और ये देखिए, कटहल हमारा बिल्कुल परफेक्ट पक गया है। ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है और ऊपर से कटहल का शेप बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। हमें इसका सब्जी बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा ही कटहल चाहिए। और अब हम इसे पानी में से छान कर दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे कटहल का एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने सारे कटहल को पानी में से छान लिया है। और अब हम कटहल का सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च और 3 प्याज ली हूँ। प्याज मीडियम साइज का है और प्याज को हम इस तरीके से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और अब हम इसे दूसरी तरफ से भी सेम तरीके से ही पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने 2 ही साइज से कट करके प्याज हमारा बिल्कुल बारीक और महीन कट कर लेंगे। और सेम तरीके से हम बाकी बचे प्याज को भी कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने प्याज टमाटर सभी को अच्छी तरीके से बारीक कट कर लिया है। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों तेल का यूज़ किया है। और अब हम इसमें उबले हुए कटहल डालेंगे। कटहल डालकर हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इसे चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे, जिससे इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और इसका एक्स्ट्रा पानी भी सूख जाएगा और कटहल हमारा बहुत ही अच्छा और फ्लेवरफुल बनेगा। यहाँ मैंने कटहल बनाने के लिए बहुत ही आसान और बेसिक सा स्टेप बाय स्टेप बताया है। अगर आप इस तरीके से कटहल बनाएंगे तो आपका कटहल फर्स्ट टाइम हो या अगर आप नहीं भी जानते हो तो आप इजीली इस रेसिपी को देख करके कटहल घर पे बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं, कटहल हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। और सेम कढ़ाई में ही हम 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर इसे गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया, हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से क्रैक होने देंगे। 2 सूखी मिर्च डालेंगे, ये डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है। 1 तेज पत्ता तोड़कर डालेंगे और इन सभी को तेल में अच्छे से चटकने देंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम प्याज को अच्छे से चलाते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया की डंडी डालेंगे। यहाँ मैंने धनिया की डंडी को बारीक या महीन अच्छी तरह से काट लिया था। और अब हम इसे डाल के प्याज के साथ इसे भी चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे। धनिया की डंडी डालने से इस सब्जी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास धनिया की पत्ती हो तो आप उसे भी बारीक कट करके डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर हम इसे प्याज में ही अच्छे से भून लेंगे। नमक डालकर प्याज भूनने से ये जल्दी भुन जाते हैं और जल्दी पक भी जाते हैं। और अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 चम्मच हल्दी डालेंगे और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तीखा के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन सभी मसालों को चम्मच से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे इसका बहुत ही अच्छा थिक पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा।
और इस तरीके से मसाले को आप पानी में मिला करके सब्जी बनाएंगे तो सब्जी आपका फ्लेवरफुल भी बनेगा और मसाले आपके बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और अब हम इन सभी मसालों को प्याज में डालेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने प्याज को भी अच्छे से भून लिया था। प्याज को भूनते हुए मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज हमारा अच्छे से भून गया है। और अब हम मसाले को भी प्याज के साथ चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से पकने देंगे, जिससे मसाले का बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और मसाले हमारे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। मसालों को एक जगह इकट्ठा कर हम इसे ढक देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम या स्लो कर देंगे, जिससे मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। 2 मिनट हो गया, मसालों को हम चेक कर लेंगे, मसाले तेल छोड़ रहे हैं। और अब हम इसे चलाते हुए एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और मसालों के साथ ये अच्छी तरह से भून जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे अच्छे तरीके से मिला करके भून लिया है। और अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च डालेंगे और इन सभी को डालकर गैस का फ्लेम 1 मिनट के लिए हाई कर लेंगे। और हाई फ्लेम पे हम टमाटर को अच्छे से चलाते हुए मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे। टमाटर बहुत जल्दी और अच्छी तरीके से गल जाएंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मसालों को ढक कर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और इससे तेल भी रिलीज़ हो रहा है। हम इसे एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे और सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं और अब हम इसमें भुने हुए कटहल डालेंगे। कटहल डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हम इसे चलाते हुए मसालों को कटहल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कटहल में मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और मसालों का फ्लेवर कटहल में आ जाएगा और कटहल हमारे बहुत ही बढ़िया और फ्लेवरफुल बनेंगे। आप अगर इस तरीके से कटहल बनाएंगे तो कटहल आपके चिकन से भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और आप देख सकते हैं कटहल में मसाले बहुत अच्छे तरीके से मिल चुका है और मसालों का एक कोटिंग कटहल के ऊपर अच्छे से कवर हो गया है। और अब हम इसे ढक कर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं, कटहल को एक बार फिर से हम अच्छे से चलाते हुए और मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मसालों का बहुत ही बढ़िया कलर कटहल के साथ मिलकर आया है और कटहल हमारे काफ़ी अच्छे से शाइन भी कर रहे हैं। और अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ और आप देख सकते हैं कटहल हमारे बहुत ही बढ़िया तरीके से भून के तैयार हो गए हैं। और अब हम कटहल में ग्रेवी के लिए 1 कप पानी डालेंगे। यहाँ मैंने इसमें नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी डाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसमें इस पैचुला से चलाते हुए सब्जी को हम अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे, जिससे कटहल काफ़ी अच्छी तरीके से पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और ये कटहल बहुत ही अच्छे से इवनली पकेगा। पानी डालकर इसमें एक उबाल आने देंगे और आप देख सकते हैं कटहल के सब्जी में अच्छा सा उबाल आ गया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालकर हम कटहल को एक बार फिर से अच्छे से चलाते हुए गरम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कटहल की सब्जी हमारी बहुत अच्छे से तरी वाली कटहल की सब्जी बनके तैयार हो गई है और गैस का फ्लेम हाई है और आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है। और इस टाइम पे हम सब्जी को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और हम इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया की जगह आप कस्तूरी मेथी का भी यूज़ कर सकते हैं। और चलिए अब हम इसे प्लेट में गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप घर पे कटहल बनाएंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा और कटहल नहीं खाने वाले भी आपसे मांग मांग के कटहल खाएंगे। कटहल की सब्जी को आप चावल, चपाती, पराठा किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होता है।
अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें। और चलिए अब मैं आप सभी के साथ मिलूंगी एक और नई रेसिपी में, और आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस और फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। कटहल का सीज़न चल रहा है तो आप इस टाइम पे इस तरीके से बहुत ही इजीली घर पे कटहल की सब्ज़ी बना सकते हैं।